खबरों न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बहुजन मुक्ति पार्टी ने नामांकन कर फूका चुनावी बुलबुल, पार्टियों में चर्चा शुरू। जनपद सिद्धार्थनगर के लोकसभा डुमरियागंज में बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपना प्रत्याशी का नामांकन कराया है, जहां पर अन्य पार्टियों में चर्चा का विषय बन चुका है। लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन सिंह लोधी ने कहा कि हमारा जनपद देश में पिछड़े जनपद में गिना जाता है और यहां विकास के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ है, जो निंदनीय है। अर्जुन सिंह लोधी ने यह भी कहा कि हम हमारी पार्टी सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही हमारा प्रथम मुद्दा है। और इस देश में जो लोकतंत्र को पूंजीवाद और करप्शन, जातिवाद, संप्रदायवाद की राजनीति ने उसकी जो लोकतंत्र की हत्या कर दी है, हत्या करने पे उतारू है, तो इसके खिलाफ हमारा जंग है। हमारा जंग है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिस्टम को सही तरीके से संचालित किया जाए। आज का जो वर्तमान परिवेश है, चुनाव चल रहा है, इसमें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक औपचारिकता की जा रही है। केवल पूंजीपतियों के लिए सत्ता के संसद पे उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस देश में जो गरीब तबके के हैं, जो गरीब पे पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो पार्टियों से नहीं लड़ सकते हैं, कुछ बड़ी धन नहीं खर्चा कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को मोटी रकम नहीं दे सकते हैं, उनको पार्टियों से टिकट मिलना नहीं है, तो ऐसी अवस्था में संविधान ने जो पॉलिटिकल राइट दिया है कि हर इस देश का हर सिटीजन जो 18 से लेकर 25 वर्ष की उम्र पार कर चुका है, उसको पार्लियामेंट, विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करने का राइट है, चुनाव लड़ने का राइट है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, सिस्टम को पूंजीपतियों ने ऐसा करप्ट कर लिया है और अपने पक्ष में खड़ा कर लिया है। सिद्धार्थनगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट।